नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। मंदसौर में मचे बवाल के बीच एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का बयान आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से जो मंदसौर की तस्वीरें निकल के आ रही है, जिस तरीके की जो जानकारी निकल के आ रही है कि वहां पर बवाल मचा हुआ, दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद वहां पर स्थिति जो है काबू होते हुए नहीं दिख रही थी और पुलिस ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला उसके बाद स्थिति काबू में। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं कि पूर्व विधायक मंदसौर के यशपाल सिंह सिसोदिया ने बड़ा बयान जारी किया है। क्या कहा, कानून व्यवस्थाओं को लेकर हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से मंदसौर विधायक ने अपील की है। ईद के पर्व पर मुस्लिम समाज के द्वारा जो धर्म जुलूस का आयोजन किया जा रहा था मंदसौर शहर में, स्थानीय नेहरू बस स्टैंड के आसपास एक धार्मिक स्थल पर अचानक से हुई पत्थरबाजी को लेकर शहर का माहौल गरमाया हुआ है, भगदड़ मची हुई है, व्यापारी व्यवसायियों ने अपनी संस्थाएं बंद कर ली है, तरह तरह की अफवाहें भी चल रही है। पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन का प्रथम दृष्टया यह दायित्व बनता है कि वे आम नागरिकों के बीच इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करें कि वे सुरक्षित रहेंगे, उनकी जान माल की पूरी रक्षा की जाएगी तथा गणेश चतुर्थदशी के पर्व पर जिस प्रकार से आरती आराधनाएं शहर में चल रही है वे शांतिपूर्वक चलती रहेगी तथा 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी जो झांकियां निकलेगी, जो धर्म जुलूस निकलेगा, उसमें भी किसी प्रकार का कहीं व्यवधान न हो, यह भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस बात की ताकीद भी करे, तहकीकात भी करें कि उस जुलूस में कैसे लोग, कहाँ के लोग, असामाजिक तत्वों ने अगर यह षड्यंत्र पूर्वक अपराध किया है और कानून को अपने हाथ में लिया है तो स्थान स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको खंगालने का काम करें और मंदसौर शहर में शांति बहाल हो, इस बात की पूरी विश्वास और भरोसा जनता को दिलाए। मैं भी आम जनता से यह उम्मीद करूंगा कि वे अफवाहों से सावधान रहें तथा शांति बहाली में सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।